कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। तो फ्रेंड्स अभी अरे एक मिनट दीजिए, अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में। आज बहुत अच्छा ही मैच रहा, सबका स्कोर 90 प्लस होगा। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, माइक का भी कैलकुलेशन उतना नहीं था, कौन से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। आज का स्कोर बहुत अच्छा रहा, एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एकदम बनाने वाला क्वेश्चन आज, एकदम ललिप टॉप था, एकदम ललन टॉप, ललन टॉप। आज मैच बनाते समय कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ नहीं बनेगा, यह टाइम टेकन है, बस कलम लगाइए आंसर मिलते जा रहा था। आज का रिव्यू में कहा जाए, आज का रिव्यू 5 और 2 के अलावे आज का लेवल बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। आज का लेवल आसान था, सभी लेवल से क्वेश्चन इजी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में मतलब कि कौन आया था, बाहरी यात्री था ना जे, हेमू था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में मतलब कि किसको पराजित किया था, ये था क्वेश्चन। और जनवरी 2022 का क्वेश्चन था, और इसी था क्वेश्चन था, जनजाति कहाँ का है जो पूछा गया था, चांग जनजाति भी पूछा गया था, चांग जनजाति। आज कम का लेखक कौन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है कौन हारा था, आज का इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत कामयाबी रहा आज, आज आज टेस्ट बुक का सेट काफी कामयाबी रहा, लड़कन लोग काफी आज इससे फायदेमंद और बड़ा खुशहाल है, उसके बदौलत आज काफी अच्छा स्कोर किए हैं सभी लड़का लोग, सभी लड़का लोग 90 प्लस स्कोर किए हैं। और इसका कटअप, इसका कटअप भी बहुत हाई जाने वाला है, खुशी अभी तो थोड़ा देर के लिए बहुत लड़कन खुश हैं, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, इसका कटअप बहुत हाई जाएगा। आज टेस्ट बुक का सेट काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लड़कन को दिया है, वही खाली डिफिकल्ट है, अगर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मारते होंगे वो आज बहुत अच्छा स्कोर करके आए होंगे। आज मुख्य रूप से अगर परिवर्तन देखा जाए तो करंट अफेयर्स जो है पूरा का पूरा 2022 का दिया है, अधिकतर 22 का है, और अगर 22 का दो क्वेश्चन का लेवल 2021 का बहुत अच्छा गया पेपर, 2021 का करंट अफेयर बहुत ही अच्छा था। एक क्वेश्चन पूछा था क्रोमोसोम का कितना पेयर होता है, 23 पेयर। आज और DAYNRLM का फुल फॉर्म भी पूछा था, ठीक है। और एक एहोल अभिलेख से भी क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में, और मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आया था, और बहुत सारा मैथ का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा ही था, अगर कोई जो हल्का भी टाइमिंग देगा तो बहुत अच्छा होगा। जो ऑप्शंस का आधार था कनाडा, अमेरिका, रशिया और इंडिया। लिंगानुपात के बारे में था, केरल के राजा लक्षद्वीप के बारे में था, केंद्र सर आज का हलवा क्वेश्चन था, एंड का पुस्तक लेखक मेगास्थानी। टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन था सर, दो क्वेश्चन टाइम वर्क से, एसआई से क्वेश्चन था, इंडिया उसका नेशन मेकिंग आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। साधारण ब्याज से 3 क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क 3 क्वेश्चन था, और ये इंडिका पुस्तक के लेखक पूछा था कौन है, मैथमेटिका बहुलक से भी 1 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से था सर, ये माधिका के लिए लंबाई दिया हुआ था उसका खोज रहा था। कि नमक प्रति सप्ताह नमक कितना ग्राम यूज करना चाहिए जो रक्त ब्लड को नियंत्रण रखे, ये था क्वेश्चन, दो संख्या चाहिए, दो संख्याएं दिया हुआ था, 2849 उनके लसा और से कोडित करते हैं, मतलब किससे संकेत करते हैं, तरंग दर्द को किससे संकेत करते हैं, तरंग दर्द का वो बीमा रिप्रेजेंट करते हैं, ये था तरंग दर्द। बल्ब में जो पतली तार होते हैं वो किसकी बनी होती है, वो फिलामेंट वाली, फिलामेंट होता है तंतु, क्या बोला जाता है पतले तार को। आज का क्वेश्चन का लेवल जो था बहुत ही मतलब की लो था, और इस हिसाब से आज का कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ 80 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इसमें आज क्वेश्चन का लेवल ठीक था, आज क्वेश्चन ठीक ठाक था, आज का क्वेश्चन का जो लेवल लो था, इसलिए संसद में अंतिम निर्णय कौन करता है, सदस्य को हटाने का अधिकार जो अंतिम निर्णय कौन लेता है, ये था क्वेश्चन था। एटलस, एटलस जो कंपनी है साइकिल का, वो किस राज्य से स्थापित हुआ, सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था, अमृतसर में ऐसा
आया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। गुरु शिखर किस पहाड़ का मैंने भाग है या किसका सर्वोच्च चोटी है? अरावली का। अरावली पर्वत ऑप्शन में दो दो क्वेश्चन सर अनुच्छेद से था। क्या था? एक था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, एक क्वेश्चन ये था। जो दो सिद्ध के मामले में है ना वो 20 नंबर आर्टिकल में है। मतलब किसी व्यक्ति को सजा या कुछ हो जाता है तो वित्तीय आपातकाल लगने के बाद भी उसे आर्टिकल 20 के तहत मतलब क्या बोलते हैं सुरक्षा दे सकते हैं उसको। एक पूछा था 86 संशोधन 2002 द्वारा किसका संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से क्वेश्चन था। क्या था जनगणना से था? सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? जनगणना से क्वेश्चन था केरल का। केंद्र शासित राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात। एक क्वेश्चन था क्या था? लिंगन न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश का दिया हुआ था 618 और 600 ऐसे कुछ करके था। नहीं न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किस स्टेट का है? एक क्वेश्चन था न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात किस स्टेट का है? ग्रामीण वाला पूछ दिया था उसमें। और एक पूछा था कि जो दूसरा भाषाई मतलब जो अति है ना क्या बोल रहा है हाँ 20 में भाषाई लैंग्वेज कौन था? ऐसा था हिंद यूरोपीय था ऑस्ट्रेलियन करके ऐसे था। वर्ल्ड लेवल पे पूछा था वर्ल्ड लेवल पे दूसरा लैंग्वेज कौन सा है? जैसे मैं हिंदू था और यूरोपियन था प्लस में चीन चीन चाइना था चीन तिब्बत दो दो देश का नाम था। दो दो देश का एक साथ नाम दिए हुए था। हिंद यूनानी था चीन तिब्बत था ऐसे करके वो सेकंड लैंग्वेज कौन सा सबसे दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? एक क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था एक चाइना था जो कि चाइना का मंदारिन लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा बोला जाता है उसके साथ कोई और ऑप्शन था ज्वाइंट में तिब्बत था। ये तो चाइना वाला ही शायद उसका सही है। ऑप्शन था सर हिंद यूरोपियन था। मैथ का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क था कि ए इतना दिन में करता है बी इतना दिन में करता है और ए और बी दोनों साथ में शुरू करता है ये किसी दिन काम छोड़कर चला जाता है तो एक आंसर आ रहा था कि 9 दिन काम करता है उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। ओवरऑल सर बनाने लायक क्वेश्चन था जीएस का भी मैथ का भी और रीजनिंग सही है उसका हो गया। प्रॉब्लम था सिर्फ टाइम टेकिंग का जिसका मैथ और रीजनिंग का सर लेवल बहुत अच्छा था और सभी के मुकाबले आज लेवल बहुत अच्छा था सर। टाइम भी आज मैनेज करने वाला था कोई पूरा टाइम से बना सकता है। किस राज्य का है ये? नागालैंड का तो था। जयंतिया जनजाति कहाँ से है? मेघालय का जन जयंतिया गारो खासिया जयंतिया मेघालय का है जनजातिया से पूछा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट का 20वें सबसे घनी आबादी किस है? हाँ किसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से हाँ। ये बताइए कि अभी तक जितना भी रिव्यू हम किए हैं ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान पेपर आज का था। हाँ आसान तो है आसान तो है आसान तो था। रसगुल्ला एकदम रसगुल्ला। देखा जाए तो 20 से भी था और 21 से भी था और 22 से भी था तीनों से था। 19, 20, 21, 22 चारों ईयर का करंट अफेयर था सर। अच्छा हाँ। और कितना था लगभग करंट अफेयर क्वेश्चन? करंट अफेयर 8 से 10 क्वेश्चन होगा सर। 8 से 10 क्वेश्चन जी हाँ। और जनरल साइंस का कितना क्वेश्चन था? दो ही था शायद नहीं तीन था तीन साइंस का दो या तीन क्वेश्चन था। एक नमक था फिलामेंट था और एक अथी पूछा था क्या बोलते हैं हाँ जो जोड़ी पूछा था कि मनुष्य में कितना क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? एक क्वेश्चन था बेस पेयर जो होता है ग्रैंड मास्टर वाला एक क्वेश्चन ग्रैंड मास्टर शतरंज वाला जनवरी महीना में जनवरी 2022 में कौन जीता है? मित्रा गुहा यही 71, 72, 73 का ऑप्शन था। ग्रैंड मास्टर वाला क्वेश्चन था। तो आप ये बताइए फिजिक्स का कोई क्वेश्चन उसके अलावा और क्वेश्चन नहीं था? उसके अलावा और कोई क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन एकदम कम आ रहा है। दो से तीन क्वेश्चन ही आ रहा है। दो से तीन क्वेश्चन पर्यावरण का कोई क्वेश्चन? पर्यावरण से एक क्वेश्चन था पर्यावरण का था रिपोर्ट के बारे में पूछा था हवन रिपोर्ट के बारे में पूछा था। शासित प्रदेश में सबसे जो घना क्षेत्रफल में वन है कोई स्टेट का वर्ल्ड पे पूछा था वर्ल्ड पे लक्षद्वीप वाला जो आंसर हुआ था केंद्र शासित था कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ मतलब क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख और दमन और दीप दमन दीप और लक्षद्वीप यही था। कितना अटेम्प्ट किया आप?
103 कितना सही हो जाएगा 90 प्लस होगा इसमें आरआरबी पटना आप कितना अटेम्प्ट किए 94 कितना सही हो जाएगा लगभग 8 से 10 क्वेश्चन गलत होना चाहिए आरआरबी चेन्नई आप कितना 94 कितना सही हो जाएगा लगभग 80 प्लस हो जाएगा आरआरबी चेन्नई है आप कितना अटेम्प्ट किए हम 86 किए कितना सही हो जाएगा 78 के आसपास हो जाना चाहिए आरआरबी चेन्नई आप कितना अटेम्प्ट किए हम 100 किए उसमें से कितना सही हो जाएगा वही अप्रॉक्स 90 होना चाहिए आरआरबी चेन्नई है आपका अटेम्प्ट 93 अटेम्प्ट किया है एक्यूरेसी मेरा 85 तो सही होगा जो भी गलत होता है जीएसई गलत होगा क्योंकि मैथ रिंग मेरा सब सारा सही था मेरा आरआरबी मेरा चेन्नई है तो जो बना सो सा अधिकतर सही हो जाता है उसमें उसमें गलत होने का चांस जो है बहुत कम पार हो जाता है मैथ रिंग के रीजनिंग में भी छोड़ना पड़ा है क्योंकि कैलकुलेशन उसमें भी था तो उसको भी छोड़ के आगे बढ़ा है तभी वो 100 प्लस किया होगा 110 ये सब किया होगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन में फंस सकता है ऐसा भी था 96 कितना सही हो जाएगा 80 प्लस आरआरबी चेन्नई 107 90 के अप्रोक्स और आरआरबी चेन्नई आपका टाइम 88 एक्यूरेसी एक्यूरेसी 80 के अप्रोक्स आ जाएगा मेरा आरआरबी चेन्नई अच्छा किसी तरह का सेंटर के अंदर अभी तो नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं है सर ना कैसे प्रॉब्लम है गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा था गर्मी वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गर्मी मेरे रूम में एको फैन ही नहीं था एक भी फैन नहीं था पहला सेंटर ऐसा दिखा सर जिसमें एसी नहीं था एसी कंपलसरी है पूछते जाइए एग्जाम देते जाइए आधा टेंशन गर्मी से आधा टेंशन मैथ कैसी से दोनों से पसीना गिरते रह रहा है एसी तो नहीं था फैन का व्यवस्था नहीं था अच्छा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का करकट है ना इसलिए थोड़ा गर्मी तो लगेगा ही कंप्लीट नहीं है ज्यादा हीट करता है वही बात है तो आज लेवल 3 का पेपर लेवल 2 से भी आसान था हां सबसे आसान बोल सकते हैं इसको लेवल 2 तो सबसे हार्ड था लेवल 5 से भी लेवल 2 जो हार्ड था उसमें क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था अगर बन भी रहा था तो 2-2.5 मिनट समय लग रहा था अब अगर एक क्वेश्चन पर आप 2.5 मिनट समय देते हैं तो कहां तक पहुंचेंगे खुशी खुशी आप लोग घर जा रहे हैं अंत वाला तो सब बुला रहा अभी पूरा एनटीपीसी सभी लेवल का एग्जाम हो गया और यही चाहिए था आप लोग यही चाहिए था डी के डेट आ जाना चाहिए एग्जाम का जल्दी एकदम एकदम सही रहेगा जल्दी आ जाएगा तो सही रहेगा चार साल नहीं टेंटेटिव डेट दिया सर जुलाई में ज्यादा चांस है कि हो ही जाएगा जुलाई अगस्त के आसपास जुलाई अगस्त के पास हो जाएगा टेस्ट सीरीज है उसमें जैसे टीसीएस अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको भी ऐसा करना चाहिए अब उसमें भी पजल डाले कम से कम 6-7 क्वेश्चन पजल डाले सिटिंग अरेंजमेंट का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो जैसे यहाँ पूछ रहा है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन डाले ताकि हम लोग वैसा ही प्रैक्टिस करें और यहाँ पर एग्जाम देना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो पाए टेस्ट बुक में जैसे सबमिट करते हैं ना तो लिखाते ना मार्क फॉर रिव्यू इतना काउंट किए हमने अटेम्प्ट इतना ये टेस्ट बुक में भी होना चाहिए था हाँ थोड़ा सा सही रहता है इससे क्योंकि देखिए आप 10 आदमी से पूछिएगा ना तो वो बताएगा कि मार्क रिव्यू रिव्यू कर कर अगर आंसर हम अटेम्प्ट करते हैं तो वो बताएगा कि वो नहीं काउंट होगा लेकिन वो मैंने वो 2-3 बार पढ़ा वो काउंट होगा अच्छा रेलवे करती है मार्क रिव्यू जो रहता है वो रेलवे उसका करती है इसलिए वहाँ भी वैसा करना चाहिए ठीक है और किसी को कुछ कहना है और ठीक है सर ठीक है थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट तो फ्रेंड्स ये आज हम लोगों ने आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया सेकंड शिफ्ट का रिव्यू आपको यहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा और थर्ड शिफ्ट का भी प्रोवाइड करवाया जाएगा तो जो भी स्टूडेंट धनबाद शहर परीक्षा देने के लिए आए आशा करता हूँ आपका जर्नी अच्छा रहा होगा थोड़ा सा सेंटर के अंदर प्रॉब्लम हुआ इसके लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ग्रुप डी के बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो हम लोग भी अपनी बात सेंटर तक जरूर पहुंचाएंगे इसको लेकर के हम लोगों ने ट्वीट भी किया है TCS IO1 को और रतन टाटा सर तक भी ये बात को पहुंचाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा एक अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल सोर्स है किसी भी चीज़ के लिए और टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से कूपन कोड लगाना चाहते हैं तो टेस्ट बुक लगा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है Umang10 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करिए हमारा कूपन कोड अप्लाई करिए आप आसानी से टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि डायरेक्टली टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट से बेनिफिट हुआ है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का PDF आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम में डाल दिया जाता है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत